जिले में प्रदूषण रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी अब सरकार के दिशा निर्देश के बाद चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। वहीं अलवर नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण रोकने को लेकर नगर परिषद प्रशासन द्वारा उन जगहों पर छिड़काव किया जा रहा है जहां उड़ती धूल के कारण वायु प्रदूषण की बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ वायु प्रदूषण से जुड़े उन कारणों पर भी लगाम लगाने का नगर परिषद प्रयास कर रही है जिनकी वजह से अक्सर अलवर नगर परिषद क्षेत्र से जुड़े इलाकों में वायु प्रदूषण का दबाव बढ़ता देखा गया है। इन हालातों के बीच अलवर शहर से जुड़े एक मैरिज गार्डन पर भी हजारों रुपयों का जुर्माना लगाते हुए वायु प्रदूषण फैलाने के लिए दंडित किया गया है, जिसकी जानकारी अलवर नगर परिषद से जुड़े आयुक्त कमलेश मीणा ने कुछ इस तरह मीडिया के साथ साझा की। नगर परिषद क्षेत्र अलवर में जो वायु प्रदूषण को लेकर के लगातार हमारे पास में इसकी जैसे जैसे सूचना प्राप्त हो रही थी तो नगर परिषद द्वारा ऐसी सड़कें जहां से धूल अधिक मात्रा में उड़ती थी उन पर नगर परिषद की फायर द्वारा पानी का छिड़काव करवाया गया। साथ ही जो व्यक्ति नगर परिषद इलाके में जो कचरा है या और अन्य चीजें हैं जिनको जलाते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है उन लोगों पर हम लगातार निगरानी करने के लिए टीम बना दी है। टीम के सभी सदस्यों को हमने जो इस तरीके की गतिविधियां करते हुए पाए जाते हैं उन पे जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। कल जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था एक मैरिज गार्डन के द्वारा एक वहां पर कचरे को जलाया गया तो उस पर हमने नगर परिषद द्वारा 5,000 की जुर्माना राशि वसूली। इसके अलावा विभिन्न वार्डों में या विभिन्न सेक्टरों में सेक्टर प्रभारियों द्वारा भी 800 रुपए की चालान राशि काटी है। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा 5,800 रुपए का चालान जिन व्यक्तियों द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया गया था उन पर काटा गया है।